हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन में सर्च ठीक से वर्क नहीं कर रहा है तो आप इसकी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको 6 मेथड बताने वाला हूँ आप जिससे ये प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आपको जो है आपके पीसी या लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन चेक करना है ठीक से आ रहा है या नहीं। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन ठीक से वर्क नहीं कर रहा है तो आपको जो है विंडोज़ की सेटिंग में जाना है। स्टार्ट मेनू पर क्लिक कर सेटिंग पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर अदर ट्रबल शूटर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं इंटरनेट कनेक्शन का ऑप्शन है, आप यहां पर रन के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद आपको ये सेटिंग को क्लोज कर देना है। स्टेप नंबर टू, आपको जो है स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक करना है, यहाँ पर टास्क मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपको डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन शो हो जाएगा, आप उसको सेलेक्ट कीजिए। आपको राइट क्लिक कर यहां पर एंड टास्क के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहां पर से डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन क्लोज़ हो जाएगा, फिर आप इस विंडो को क्लोज़ कीजिए। स्टेप नंबर 3, आप जो है डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। उसके बाद आपको जो है स्ट्रीमिंग मोड में आना है। उसके बाद आपको स्ट्रीमिंग मोड का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन को यहां से इजीली डिसेबल कर देना है। उसके बाद आप जो है डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन को क्लोज़ कीजिए। स्टेप नंबर 4, आपको विंडोज़ की सेटिंग में जाना है। स्टार्ट मेनू पर क्लिक कीजिए, सेटिंग पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में टाइम एंड लैंग्वेज का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर डेट एंड टाइम पर क्लिक कीजिए। और आपको यहाँ पर चेक करना है आपके पास डेट एंड टाइम करेक्ट है या नहीं। अगर आपके पीसी में डेट एंड टाइम रॉन्ग है तो आप उसको एक बार करेक्ट कीजिए। उसके बाद आप इस सेटिंग को क्लोज़ कीजिए। स्टेप नंबर 5, आपको रन कमांड ओपन करना है। आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ की प्रेस करते हुए आपको आर प्रेस कर देना है। और आपको यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर डिस्कॉर्ड का फोल्डर शो हो जाएगा, आप इसको ओपन कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर कैचे और कोड कैचे और यहाँ पर जीपीयू कैचे, इन तीनों फोल्डर को आपको सेलेक्ट कर डिलीट कर देना है यहाँ पर से, सिंपल इस तरीके से। उसके बाद आप इस फाइल एक्सप्लोरर को क्लोज़ कीजिए। उसके बाद दोस्तों आप जो है डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। ओपन कर आप जो है सेटिंग में जाकर चेक फॉर अपडेट के ऊपर क्लिक कीजिए। आपके पास डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन अप टू डेट होना चाहिए। फिर आप अपने पीसी को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।